अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू जायका कानपुरी। आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं फिंगर चिप्स की रेसिपी, कानपुर फेमस। तो ये रेसिपी हम थर्ड टाइम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो जो मेरी फर्स्ट रेसिपी थी फिंगर चिप्स की, उसमें बहुत सारी क्वेरीज हैं, और जो सेकंड रेसिपी है वो मसाला फिंगर। बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं जिनमें पूछ रहे हैं कि कॉर्नफ्लोर ना ऐड करें तो कैसे बनेगा, या फिर कॉर्नफ्लोर कहाँ मिलेगा और कॉर्नफ्लोर क्या होता है। तो बस इसीलिए मैंने आपसे ये वीडियो शेयर की है। मैंने थर्ड टाइम बनाया है फिंगर चिप्स, और इस फिंगर चिप्स में मैंने एग भी ऐड किया है। तो ये एग ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें वरना स्किप कर दें। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फिर चीज़ें देख लेंगे हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये देखिए, सबसे पहले हमने 5 बड़े साइज़ के पोटैटो को इस तरह से लॉन्ग शेप में कट कर लिया है। उसके बाद हमने इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद हमने इन्हें 5 से 6 मिनट के लिए गर्म पानी में रख दिया था ताकि ये पोटैटो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। नमक हमने 1 टीस्पून लिया है। ऑरेंज फूड कलर हमने लिया है 1/2 टीस्पून। एक हमने एग ले लिया है, जो कि ऑप्शनल है, लेकिन एग ऐड करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया था, इसलिए आप ज़रूर ऐड करें अगर आप एग खाते हैं। कॉर्नफ्लोर हमने ले लिया है 3 टेबल स्पून भरकर। तो कॉर्नफ्लोर आपको किसी भी ग्रॉसरी शॉप पर आसानी से मिल जाएगा, अगर आप वहाँ पर आरारोट बोल देंगे, क्योंकि मैंने भी इसे कई बार शॉप से मंगाया है लिस्ट में लिखकर कॉर्नफ्लोर, तो मुझे कॉर्नफ्लोर नहीं मिला है, क्योंकि बहुत से शॉप पर नहीं समझ पाते हैं कॉर्नफ्लोर क्या है और आरारोट क्या है, और उनसे जब भी कॉर्नफ्लोर हम मंगाते हैं तो वो हमें कॉर्न मील दे देते हैं, जो अलग चीज़ हो गई। कॉर्न मील जो होता है वो येलो कलर का होता है, और जो भुट्टे का आटा होता है, भुट्टे का जो अपर साइड होता है, वो होता है आरारोट, या फिर कॉर्नफ्लोर कह सकते हैं। तो इसकी डिटेल रेसिपी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी, कॉर्न मील और कॉर्नफ्लोर क्या है, क्या डिफरेंट है। तो कॉर्नफ्लोर आप आरारोट बोलकर आसानी से मंगा सकते हैं, किसी भी शॉप पर आसानी से मिल जाता है, लूज में भी मिलता है और बॉक्स में भी मिलता है, और ये बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं होता है, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा चीप रेट्स में किसी भी शॉप पर। तो देखिए, हमने स्ट्रेनर में रखा था अपने पोटैटोज़ को, अब हमने एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो सभी चीज़ें हम एक एक करके ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले हम ऐड कर देंगे नमक, उसके बाद हम ऐड कर देंगे फूड कलर ताकि अच्छे से अप्लाई हो जाए सभी पोटैटोज़ पर। तो हम नमक ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे पोटैटोज़ को, ताकि सभी पोटैटोज़ में नमक अच्छे से लग जाए। अब कलर को ऐड करने के बाद भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप प्लेन बनाना चाहें तो इसी तरह से बना सकते हैं, कलर ना ऐड करें, लेकिन मैं कानपुर फेमस चिप्स बना रही हूँ इसलिए मैं कलर ज़रूर ऐड करूँगी। तो बस इसी तरह से मिक्स करते जाएंगे पोटैटोज़ में कलर को। मिक्स करने के बाद अब हम ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर यानी कि आरारोट, इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, ये देखिए इस तरह से, क्योंकि अगर हम कॉर्नफ्लोर नहीं ऐड करेंगे तो हमारे फिंगर चिप्स क्रिस्पी नहीं बनेंगे, इसलिए हमें कॉर्नफ्लोर ऐड करना ज़रूरी है। तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो पूछते हैं कॉर्नफ्लोर अगर ना ऐड करें तो राइस फ्लोर ऐड कर दें या फिर मैदा ऐड कर दें, तो ऐसा नहीं है, सिर्फ आप कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे तभी उतना अच्छा क्रिस्पी बनेगा हमारा फिंगर चिप्स जिस तरह से मार्केट में होता है। तो हमने अपने बर्तन में एग इस तरह से बीट कर लिया है, ये देखें अच्छे से हमने एक एग को बीट कर लिया है, अब हम ऐड कर देंगे। आप चाहें तो सबसे पहले एग ऐड कर दें, उसके बाद में आरारोट ऐड करें। तो सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इधर तेल हमने गरम होने के लिए रखा है फुल फ्लेम पर। तो बहुत ही बढ़िया गरम तेल हमारा हो चुका है, अब हम एक एक फिंगर चिप्स को इस तरह से ऐड करना शुरू करेंगे। तो हमारा फ्लेम हाई है इसलिए हमारी फिंगर चिप्स बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अगर आपने फ्लेम लो कर दिया तो हमारे फिंगर चिप्स बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, जो अच्छे नहीं लगेंगे। तो बस हम इसी तरह से एक एक फिंगर चिप्स को ऐड करते जाएंगे गरम गरम तेल में। तो ये देखिए, हमारे फिंगर चिप्स बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल कर रख लेंगे एक प्लेट में। तो सभी फिंगर चिप्स को हम निकाल कर रख लेंगे एक प्लेट में, उसके बाद से जो बचे हुए फिंगर चिप्स हैं उन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे। तो इन्हें भी हम टर्न कर करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो बस ये भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इन्हें निकाल कर रख लेंगे एक प्लेट में। तो तेल से निकालने के बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, ये देखिए इस तरह से। इसके लिए हम इसे दोबारा भी फ्राई कर लेंगे ताकि ये सुपर क्रिस्पी बने, और यहाँ पर तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है हाई फ्लेम पर।
तो दोबारा से हमारा तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है और फिंगर चिप्स जो फ्राई की हुई थी उन्हें हम फिर से फ्राई कर रहे हैं। ताकि हमारे फिंगर चिप्स बिल्कुल क्रिस्पी बने, ऑयल को जब हम निकाल लेंगे उसके बाद ये सॉफ्ट ना हो जाए, इसलिए हमें डबल फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। तो बस इसी तरह से हम सारे फिंगर चिप्स को फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे फिंगर चिप्स बहुत बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं और बहुत ही क्रिस्पी फ्राई हुए हैं। तो इसे मैं सर्व करूँगी मोमोज चटनी के साथ, जिस तरह से कानपुर में सर्व किया जाता है। तो अब मोमोज चटनी की रेसिपी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा लिंक, वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो दो रेसिपी फिंगर चिप्स की और है हमारे चैनल पर, वो भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो लॉकडाउन पर घर पर बनाएं फिंगर चिप्स और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।